हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज फिर से आपके बीच आ चुका हूँ इंडिया और साउथ अफ्रीका के पहले T20 का मैच का हाल चाल और बवाल लेके। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज क्यों की थी? ताकि कल के मैच का हम लोग हाल चाल और बवाल जान सके। इसलिए सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले दीपक चहर ने पहले ओवर में पहले एक विकेट लिया तथा दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट निकाल दिए। फिर उसके बाद 15 गेंद के अंदर साउथ अफ्रीका की आधी से अधिक टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इनका तो 50 रन भी पहुंचना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन केशव महाराज और एडम माकरम की बदौलत साउथ अफ्रीका 107 रनों का लक्ष्य दे पाई, जिसमें से केशव महाराज ने 35 गेंदों में 41 रन बनाए और एडम माकरम ने भी बढ़िया 25 रन बनाए। फिर उसके बाद जवाब में इंडिया उतरी तो इंडिया की भी पारी थोड़ी बहुत लड़खड़ाती नजर आई, जिसमें से रोहित शर्मा ने भी अंडे दिए। फिर उसके बाद विराट कोहली ने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, 9 गेंदों में 3 रन बना के आउट हो गए। और इंडिया का पावर प्ले में स्कोर 17 रन था, 17 रन पर 1 विकेट। फिर पावर प्ले ख़त्म होते ही पहली दूसरी गेंद पर ही विराट कोहली भी चलते बने, लेकिन यहाँ सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल ने मैच जिताऊ पार्टनरशिप की और मैच को जिताया, जिसमें से सूर्य कुमार यादव ने शानदार पारी खेली, 33 गेंदों में 50 रन बनाए। वहीं केएल राहुल ने सिर्फ 100 से भी कम स्ट्राइक रेट से मैच खेले, लेकिन मैच जीता कर ले गए। और सबसे बढ़िया बॉलिंग स्पेल अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिया, वहीं दीपक चहर ने 2 और हर्षल पटेल ने भी 2 विकेट और 1 विकेट अक्षर पटेल ने भी लिया। फिर उसके बाद और इंडिया ने यह मैच बहुत आसानी से 8 विकेट से जीत लिया। अगला मैच 2 अक्टूबर को खेला जाएगा।